टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर के एनसीपी के तमाम नगर सेवक और एनसीपी के पदाधिकारियों ने थाने मनपा कार्यालय पर आज विरोध प्रदर्शन किया है। मनपा कार्यालय पर आनंद परांजपे, शानू पठान, मिलिंद पाटिल, अश्विन राउत, राजन किने, फरजाना शेख और ऐसे अन्य नगर सेवक और पदाधिकारियों ने मिलकर मनपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। शानू पठान ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने का मकसद सिर्फ ये है कि नगर सेवकों का काम काज रुका हुआ है। शानू पठान ने बताया कि विरोध प्रदर्शन करने का मकसद सिर्फ ये है कि मनपा के पास पत्र व्यवहार करने के बाद भी नगर सेवकों का मसला हल नहीं हो रहा है। स्टैम्प पानी प्रकरण हो या फिर शमशान भूमि प्रकरण हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज मनपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के दौरान शानू पठान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पत्र व्यवहार करके चाहे स्टैम्प का प्रकरण हो, चाहे शमशान दफन भूमि का प्रकरण हो, सफाई कामगार का प्रकरण हो, ये सब लेके आयुक्त को पत्र व्यवहार करके और पुरावे के साथ के स्टैम्प के लेके कितने फिल्टर बने पुरावे के साथ, यहाँ देख सकते हैं आप, ये ब्लैंड दिख रहा है, ये जितना ब्लैंड दिख रहा है ये फिल्टर बने, ऐसे पुरावे महापालिका के आयुक्त के सामने दिए गए, महापौर साहब के सामने दिए गए। महापौर साहब ने एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं चुकी है, उसके बावजूद भी प्रशासन के जरिए, आयुक्त के जरिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अर्थ संकल्प को लेके नगर सेवकों में एक भय निर्माण है, नागरिकों के काम नहीं हो रहे और कई बड़े काम हो रहे, जबकि कोविड के माध्यम से सिर्फ हॉस्पिटलाइज और ज़रूरी काम ही होना चाहिए। लेकिन एक तरफ कई प्राइवेट काम करोड़ों रुपये बिल्डर के किए जा रहे हैं, लेकिन नगर सेवकों की सूचना के काम अर्थ संकल्प के माध्यम से एक भी किया नहीं जा रहा है। लसीकरण को लेकर एक तरफ का एक व्यवहार किया जा रहा है, जो नगर सेवक है एक तरफ महाविकास आघाड़ी बोलते हैं, दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रवादी के नगर सेवकों को लसीकरण की एक भी कैंप नहीं दिया जा रहा है। मनमर्जी से जहां कैंप दिए जा रहे वहां पे मांगनी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पहले से, यहां तक के कई हमारे लेटर मई जून के लेटर है राष्ट्रवादी के नगर सेवकों के, लेकिन जब प्रशासन को जा गई कि राष्ट्रवादी की नगर सेवकों की मांगनी पहली है, तब आरोग्य विभाग के तरफ से डमी पुराने डेट के लेटर तुरंत मंगाए गए ताकि ये भांडाफोड़ ना हो जाए। जो आरोग्य केंद्र, आरोग्य विभाग डमी आई कार्ड बना सकता है तो वो डमी लेटर भी दे सकता है, ऐसा आरोप है। पत्र दिया था हमने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें बुलाया नहीं, लेकिन अभी उन्होंने बुलाया है। अगर नगर सेवकों की समस्या बजट के माध्यम को लेकर वो दूर नहीं की गई तो हम आयुक्त के दालने के बाहर नगर सेवक बैठेंगे और हमारे माननीय जीतन दरबार जी के मार्गदर्शन में, आनंद प्रांत जी के मार्गदर्शन में संगठन बाहर आंदोलन करेगा। विश्व परिधि के ट्री कमेटी के भी जो सदस्य हैं उनका भी यही फर्ज है। आयुक्त अपनी मनमानी से कारोबार कर रहे हैं, 6-6 महीने से ट्री कमेटी की मीटिंग नहीं ली जा रही है और जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो सिर्फ आयुक्त की मनमानी के हिसाब से एक तरफा लिया जा रहा है। सदस्यों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है, उनकी सूचना नहीं ली जा रही, बिना चर्चा किए निर्णय लिए जा रहे हैं।